हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेन टूल को। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाउनलोड किए हैं, जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, तो देखते हैं इनको बारी बारी। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसको मैंने कैसे ड्रा करना है। मैं लेता हूँ पेन टूल जिसकी शॉर्ट की है पी, और जैसे जैसे मैं शॉर्ट की प्रेस करता जाऊँगा यहाँ पर आपको नज़र आती जाएंगी। मैं यहाँ से इसको एक तो मेथड ये है कि सेम टू सेम ट्रेस करूँ, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक कहीं पे हमारे पास कॉर्नर सेम बनेंगे, कहीं पे नहीं बनेंगे, लेकिन हम लोग पहले इसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ ड्रॉ। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉर्नर जो है शार्प हैं, ठीक है, एक जैसे स्मूथ कॉर्नर्स नहीं है, तो ये पेन टूल में थोड़ा एहतियात से हमें ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ी हद तक यहाँ से इसको स्मूथ भी कर सकते हैं, ये यहाँ से रेडियस देखें, ठीक है। और सेकंड ये है कि हम लोग अगर एक और मेथड है जो कि आसान भी है इससे ज़्यादा, मैं यहाँ पे लेता हूँ पेन और इसके जो जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे सिर्फ क्लिक करता हूँ, ए यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, और यहाँ मैंने इसको कर लिया क्लिक, ठीक है। और क्योंकि अब मैंने यहाँ पे इसको रेडियस दिया हुआ है, तो मैं रेडियस को अगर कम ज़्यादा करूँ तो इसको इस तरीके से अचीव कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ से अगर क्लिक करूँ तो इसकी पोजीशन को यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ एक एक पॉइंट पे। तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक एक पॉइंट को हम इसकी पोजिशन सेट कर सकते हैं और सेम टू सेम हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी नस्बत ये हमसे ज़्यादा स्मूथली ड्रा हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो नीचे हल्का हल्का सा फील है ये कैसे होगा। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और अगेन पी प्रेस करता हूँ और इसके जो एंडिंग कॉर्नर्स हैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ और शिफ्ट की प्रेस करके, ताकि ये मेरी लाइन सीधी हो, मैं एक पॉइंट तक नीचे ले आता हूँ, फिर यहाँ पे ले जाता हूँ और ये रेड लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब कि इसकी विड्थ यहाँ तक है। और मैं यहाँ यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट, और मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 4, और इसमें जाके मैं कलर्स ऐड कर देता हूँ, ये ग्रे, सॉरी, इसमें ये पर्पल कलर ऐड कर देता हूँ, और पर्पल या ब्लू कोई भी कलर आपने ऐड करना है, वही पर्पल कलर मैं यहाँ के इसमें फिल में जाके दे देता हूँ। लेकिन अब करना है क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सॉलिड की बजाय मैं किया लीनियर में, और ये इसका दो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, थीके? इसके पॉइंट को यहाँ से एक कॉर्नर पे ये रख देता हूँ और एक कॉर्नर पे ये दूसरा पॉइंट। मैं किसी भी पॉइंट को जब क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे इसकी ओपेसिटी दिखा रहा है कि ओपेसिटी कितनी करनी है, कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ठीक है, या कलर कौन सा करना है, तो हम अपनी मर्जी से भी कलर कर सकते हैं। लेकिन मुझे सेम कलर चाहिए बट ओपेसिटी थोड़ी डाउन चाहिए, तो यहाँ से मैं इसकी पोजिशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस एंगल से जो है वो ये सेट हो गई। तो मैंने इसको कर दिया सेट, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू थोड़ी और कम ज़्यादा कर सकता हूँ। या एक और मेथड है कि मैंने इसको सेट करने के बाद सिंपली जाके यहाँ पे इसकी पूरे की पूरी ओपेसिटी को कम कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ डबल क्लिक माउस से और इसके जो एंडिंग कॉर्नर्स है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखें इसका रेडियस अप्लाई किया, मैं इसको कर देता हूँ 0, तो ये रेडियस हमारा उसी शेप के साथ साथ जो है वो अटैच हो गया। सेम मेथड इस एंडिंग कॉर्नर के लिए, इसको कर देते हैं 0, और लास्ट में ये जो हमारे पास एंड के में नीचे कॉर्नर्स हैं इनको भी हम एक और मेथड है कि हम इकट्ठे किसी मल्टीपल पॉइंट्स या लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, अब ये सिलेक्टेड पॉइंट है तो इसके अंदर ब्लू कलर का एरो फील्ड है और बाकियों में नहीं है। मैं शिफ्ट की होल्ड की और दूसरे कॉर्नर्स को भी सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास इस टाइम दो कॉर्नर सिलेक्ट हैं जिसका सेम रेडियस है 114, और मैं इसको कर देता हूँ 0, तो ये देखिए हमारे पास ये सेम चीज़ अचीव हो गई। नेक्स्ट हम इसके साथ मज़ीद भी चीज़ें सेट कर सकते हैं, लाइक ये जो फिलिंग का कलर है, ये ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट, ये टॉप पे है और जो लाइन है वो बॉटम पे है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया, इसके रेडियस को हम लोग एंड से राउंड कर सकते हैं और चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो पेन टूल क्या नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्राई करते हैं इस शेप को ड्रा करने की। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक किया पी और मैं यहाँ से इसको
इसको कर रहा हूँ ड्रैग, और माउस से मतलब एंडिंग पॉइंट को कर रहा हूँ क्लिक, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ड्रैग, ठीक है, ड्रैग करके ले आता हूँ इस वाइट आर्टबोर्ड पे। ऑलराइट, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि पेन टूल पे थी। थोड़ी मे बी डिफ़िकल्टी हो आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ पेन टूल को यूज़ करने में, लेकिन अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।